दो आपका चॉकलेट। क्या हुआ बाबा, क्या परेशानी है आप बताएं? बेटा तेरी तो ख्वाहिश है हज या उमरा। बाबा मैं अल अरीस टूर्स एंड ट्रैवल्स को जानता हूँ। हाँ हाँ वही जो नियामत तहरी के अपोजिट और जमजम बेकरी के पीछे। ज्यारतें कैसे करूँगा और हैदराबादी खाना? वहाँ पे आपको ज्यारतें अच्छे से हो जाएगी। वो हैदराबादी खाना 3 टाइम लजीज खाना ईरानी चाय के साथ। और अब्बाजान आपको पता है हैदराबाद से जिद्दा, जिद्दा से हैदराबाद डायरेक्ट फ्लाइट है। मक्का मदीने को जाने के लिए वहाँ पे एसी बस का भी इंतजाम है। अल अरीस टूर्स एंड ट्रैवल्स, आप भी तशरीफ लाएं। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम, RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। आदाब सबको, गुड इवनिंग। आज सैदाबाद PSK कॉन्फ्रेंस हॉल में आज हमने साउथ ईस्ट जोन की पीस मीटिंग रखी थी। सब पीस कमेटी के मेंबर्स आए थे यहाँ पर। सबने बहुत अच्छे से पुलिस को कोऑपरेट करने की बात की, उससे भी बढ़िया सबने उनकी जो जिम्मेदारी है वो निभाने की बात की एज ए सोसाइटी के बड़े मेंबर्स। और जो एक पैगाम और आवाम को एक अच्छा सा मैसेज दिया, पीस रखने से बाद ही पूरा सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। आने वाले मुहर्रम और बोनालू फेस्टिवल के हिसाब से ये पीस मीटिंग रखी हुई थी साउथ ईस्ट जोन की। तो सब लोगों ने अच्छे से कोऑपरेशन करने का वादा किया है पुलिस से, जैसे कि हर साल होते आ रहा है। इस बार भी हमको फुल कॉन्फिडेंस है कि इस बार भी अच्छे से ही होगा, क्योंकि लोगों के बोलने से ही सब बोल रहे थे कि खुद ही हम वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। तो पुलिस की तरफ से सभी पीस कमिटी मेंबर्स को एक तरह से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबका शुक्रिया आने के लिए और पीस कमिटी मीटिंग सक्सेसफुल बनाने के लिए सबका शुक्रिया। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज़ RH9 न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।